हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग विद योरसेल्फ। दोस्तों, घर सजाने के लिए ऑलवेज पैसों की ही जरूरत नहीं होती। कभी कभी आप अपनी लगन, मेहनत और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ भी अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हो। और इसी बात को प्रूफ करने के लिए आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ DIY कार्डबोर्ड रंगोली प्लस वॉल डेकोर। इस DIY को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, जब चाहो एज अ रंगोली, जब चाहो एज अ वॉल डेकोर। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले कार्डबोर्ड का एक सर्कल कट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर का सर्कल कट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग सर्कल की साइज रख सकते हैं। अब थोड़ा पानी और फेविकॉल मिक्स करके उसका एक घोल तैयार कर लीजिए। फिर व्हाइट पेपर को इस तरह की छोटी साइज में कट कर लीजिए। अब सर्कल की एंड पे फेविकॉल का घोल लगा के उस पे व्हाइट पेपर को स्टिक कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। सेम इसी प्रोसेस से सर्कल के एंड को पूरा कवर कर लीजिए। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सर्कल के ऊपर के साइड पे भी पेपर को स्टिक कर लीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये सर्कल कुछ इस तरह से दिखेगा। अब सर्कल पे पेंसिल की हेल्प से डिजाइन ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको सिंपल ट्रिक के साथ ब्यूटीफुल डिजाइन कैसे ड्रॉ की जाती है ये सिखा दूंगी। मैंने यहाँ पे 6 सर्कल ड्रॉ किए हैं, जो 2, 4, 8, 12, 14 एंड 20 सेंटीमीटर के हैं। अब इस वाले पोर्शन में डिजाइन ड्रॉ करने के लिए इस तरह का कार्डबोर्ड पेटल कट कर लीजिए और उसे इस तरह से रखकर उसकी बॉर्डर ड्रॉ कर लीजिए। इस ट्रिक से सारे पेटल सेम साइज के ड्रॉ हो जाएंगे और हमारी डिजाइन फटाफट से कंप्लीट हो जाएगी। सारे पेटल्स को ड्रॉ करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस वाले पोर्शन में डिजाइन ड्रॉ करने के लिए अलग साइज का कार्डबोर्ड पेटल कट कर लीजिए और उसे दो पेटल्स के बीच में सेंटर को रखकर उसकी बॉर्डर ड्रॉ कर लीजिए। सारे पेटल्स को ड्रॉ करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे डिजाइन ड्रॉ करने के लिए एक बाटी लीजिए और उसे इस तरह से रखकर पेंसिल के हेल्प से डिजाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। सेम इसी प्रोसेस से सारे पेटल्स पे ये डिजाइन ड्रॉ कर लीजिए। सारे पेटल्स पे डिजाइन ड्रॉ करने के बाद एक इरेजर लीजिए और उसकी हेल्प से सर्कल के लाइन को इरेज कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। कंप्लीट होने के बाद अब ये डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इस वाले पोर्शन में डिजाइन ड्रॉ करने के लिए एक बाटी लीजिए और उसे इस तरह से रखकर पेंसिल की हेल्प से उसकी बॉर्डर ड्रॉ कर लीजिए और आगे की डिजाइन इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। कंप्लीट होने के बाद ये डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इस वाले पोर्शन में डिजाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने वीडियो में जिस तरह से पॉइंट्स मार्क करना सिखाया है, उस तरह से पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए और स्केल की हेल्प से उसे जॉइंट कर लीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगी और इसी तरह से सिंपल ट्रिक्स के साथ सर्कल पे ब्यूटीफुल डिजाइन रेडी हो गई। अब इस ब्यूटीफुल डिजाइन को कलर्स के साथ पेंट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको मैंने यूज किया हुआ कलर कॉम्बिनेशन भी बता दूंगी। सबसे पहले रेड कलर में थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स करके इस तरह का डार्क पिंक कलर तैयार कर लीजिए। फिर इस वाले पेटल को इस कलर से पेंट कर दीजिए।
ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से सारे पेटल्स को कलर कर दीजिए। नेक्स्ट ब्लू कलर में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करके इस तरह का कलर तैयार कर लीजिए। फिर इस वाले डिज़ाइन पे इस कलर से पेंट कर दीजिए। पिंक पेटल के नीचे वाले डिज़ाइन को भी इस कलर से पेंट कर दीजिए। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से सारी डिज़ाइन को कलर कर दीजिए। नेक्स्ट ऑरेंज कलर में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करके इस तरह का कलर तैयार कर लीजिए। फिर इस वाले पेटल को इस कलर से पेंट कर दीजिए। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से सारे पेटल्स को कलर कर दीजिए। नेक्स्ट येलो कलर में थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स करके इस तरह का कलर तैयार कर लीजिए। फिर इस वाले डिज़ाइन पे इस कलर से पेंट कर दीजिए। ऑरेंज पेटल के नीचे वाली सर्कल पट्टी को भी इस कलर से पेंट कर दीजिए। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से सारी डिज़ाइन को कलर कर दीजिए। इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ नीचे की डिज़ाइन भी कलर कर दीजिए। डिज़ाइन को पूरा कलर करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब मैं आपको इसका फाइनल रिव्यू दिखाती हूँ। एज अ वॉल डेकोर ये मेरे लिविंग रूम को वाइब्रेंट लुक दे रहा है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एज रंगोली इसने मेरे होम एंट्रांस को बहुत ही कलरफुल बना दिया। इस DIY का कौन सा यूज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करो ताकि आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टार्टिंग विद योरसेल्फ।